पर्यावरण पर्यावरण प्रदूषित हो गए पर्यावरण, पेड़ों को बचाना होगा, नए पेड़ लगाना होगा। आज आमतौर पर देखा जाए तो पेड़ लगाने की बजाय पेड़ों की अंधाधुंध कटाई किया जा रहा है, पर तखतपुर के ईसाई समुदाय के युवकों ने एक अच्छा पहल करते हुए सैकड़ों पेड़ रोपित कर समाज व शहर में मिसाल पेश किया है, ताकि प्रति एक लोग पेड़ लगा कर वातावरण को प्रदूषित होने से बचा सके। तखतपुर में मसीही समाज के कब्रिस्तान है, जहां साफ सफाई करने के साथ वहां सैकड़ों फलदार छायादार वृक्ष को रोपित किया गया है, जिसे आने वाले समय में विशाल वृक्ष बनकर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। इस दौरान समाज के युवा प्रमुख श्री संकेत समूह एल ने बताया कि हमारे द्वारा एक माह पूर्व से वृक्षारोपण कब्रिस्तान के साथ कई जगहों पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण प्रदूषित होते जा रहा है, जिसका बचाव केवल पेड़ लगाकर किया जा सकता है, क्योंकि हम जो ऑक्सीजन जो लेते हैं हमें पेड़ से प्राप्त होती है, जिनसे जीवन मिलता है। संसार में जितने भी प्रदूषित हवा है उसे ग्रहण कर जीवन दयनीय ऑक्सीजन गैस छोड़कर मनुष्यों पर उपकार करती है। इनसे हम अनेक बीमारियों से बच जाते हैं। पेड़ हमें हवा ही नहीं बल्कि फल के साथ छाया भी प्रदान करती है। देखा जाए तो कब्रिस्तानों में पेड़ की कमी के कारण शुद्ध हवा के साथ छाया भी नहीं मिल पाता है। बरसात धूप आए परेशान लोग पेड़ ढूंढते हैं, पर आज पेड़ इसलिए लगाया जा रहा है जिसे पर्यावरण शुद्ध होने के समाज व शहर देश तक यह संदेश जाए कि पेड़ संरक्षक जीवन रक्षक। इस दौरान संकेत समूहल समिति समूहल रिचर्ड राज राजू जर्ज रितेश राज कमल कांत सपन दास अर्पित जे के साथ अनेक मसीहियों के सहयोग रहा। सी समाज द्वारा वृक्षारोपण यहाँ कब्रिस्तान में कराया जा रहा है, कब से चालू किए हैं और कौन कौन से वृक्ष लगा रहे हैं और क्या इनका मतलब फायदा अपने समाज को मिल सकेगा बताएंगे आप। वृक्षारोपण जो है वो प्रकृति के बचाव के लिए है, और नदी के पास चूँकि हमारा ग्रेवयार्ड आता है तो ये वाटर लेवल को भी एक हिसाब से बचा करके रखेगा, और इसकी सुरक्षा के लिए जाली की व्यवस्था की जाएगी। और जो अपन क्रिश्चियन डेवलपमेंट कमेटी बना है, इसके माध्यम से हम लोग ये लोगों के बीच में संदेश भी भेज रहे हैं कि जैसे पेड़ लगाने से हम लोग के जल संवर्धन में सहायता मिलेगी। यहाँ पर वृक्षारोपण जैसे कि लगा रहे हैं और इन वृक्ष लगाएंगे जरूर, इसका उपाय बचाने के उपाय क्या कर रहे हैं इसका? इसके बचाने के लिए हम लोगों ने जाली की व्यवस्था कर रखी है, कुछ दिनों में जाली ला करके अपन इसको घेरेंगे, और बाउंड्री वॉल की व्यवस्था भी हो गई है, धीरे से बाउंड्री वॉल हो गए हैं। वृक्षारोपण का कार्यक्रम कब से चला रहे हैं? वृक्षारोपण हम लोग पिछले एक महीने से बरसात के शुरू होने से शुरू किए हैं, क्योंकि गर्मी के समय में पानी की व्यवस्था नहीं रहती है, बरसात के समय में कुछ अपनी तरफ से व्यवस्था करके हम लोग उसको मैनेज करेंगे। यहाँ पर कितने वृक्ष लगा चुके हैं अभी तक? अभी तक हम लोगों ने अलग अलग जगहों में अपने ग्रेवयार्ड के छोड़े 200 से 300 पौधे रोपित कर दिए हैं, और उसके सुरक्षा के लिए बराबर हमारे लड़के प्रयासरत हैं, हर हफ्ते हर संडे जा कर के उसकी देख रेख करते हैं। इसमें फलदार वृक्ष भी है? पूरे फलदार वृक्ष हैं, छायादार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। लगा रहे हैं कितने वृक्ष लगा रहे हैं, कितने आपके यूथ के वहाँ लड़के लोग हैं बताइए? सर यहाँ पे हम लोग लगभग अभी तक 250 से 300 वृक्ष लगा चुके हैं, जिसमें फलदायक वृक्ष भी है, साथ में छायादार वृक्ष भी है, और लगभग हमारे पूरे टीम इसमें लगभग 2.5 से 3 महीने से काम कर रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि प्रकृति का जो स्थिरता है वो बने रहे, हरियाली रहे और वाटर लेवल बना रहे, इसलिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं ऐसा सभी क्रिश्चियन लड़के कि हम यहाँ पे जितना हो सके तखतपुर को हरियाली में ला सकें। जिस तरह से यहाँ वृक्षारोपण किया जा रहा है, क्या वृक्ष है किसी कोई संस्था की गवर्नमेंट से किसी प्रकार की इसका आपको डोनेशन है कि आप अपने खर्चे से कर रहे हैं क्या है? जी अभी तक तो फिलहाल गवर्नमेंट से कुछ ऐसा सहायता हमको नहीं मिला है, जो भी है हम सब लड़के जो हैं वो मिल के और जितने हमारे मार्गदर्शक हैं सीनियर लोग हैं वो मिल के ही अभी तक जितना भी कार्रवाई किए हैं या पौधे लगाए हैं वो हमारी समिति के द्वारा किया गया है, क्रिश्चियन समिति युवा समिति। वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है स्वयं इसमें सरकार को चलाती है, तो इसके लिए तो मतलब पौधारोपण का व्यवस्था कराया जाता है कि इसकी सूचना या जानकारी किसी के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाएँ कि नहीं पहुँचे अभी तक? जी अभी तक तो ऐसी सूचना हमको मिली नहीं है, बट गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही है, हम आगे प्रयास करेंगे अपनी समिति के द्वारा और हमारे जितने मेंबर हैं और हमारे अध्यक्ष और जितने उसके मेंबर हैं उनके द्वारा कि ये लाभ जो है हमको मिले, और क्योंकि ये जो है वो प्राकृतिक के नियम को बचाने के लिए है। इस मैटर में आप क्या कहना चाहेंगे?
हमारा तो यही कोशिश रहेगा कि निरंतर हम और हमारा ग्रुप ये कार्य करता रहे, सिर्फ यहाँ ही नहीं पूरे तखतपुर में, हम हर एक जगह आसपास गांवों में ये सारे कार्य हम लोग निरंतर करते रहेंगे। अच्छा, सुनने को मिला है कि आपके समाज के द्वारा समाज को जागरूक किया जा रहा है वृक्षारोपण के अन्य कार्यों के द्वारा, इस टाइप का सुनने को मिला है, क्या कहेंगे? हमने एक संस्था गठित किया है जिसके द्वारा सारे जवान मिलकर निरंतर हम इस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। और पौधा वृक्षारोपण कराया जाए, इसका सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम वगैरह कर रहे हैं हम लोग? अब इसके लिए निरंतर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए पौधों के चारों ओर तार वगैरह या कांटे या और भी किसी न किसी व्यवस्था के द्वारा उसे घेर कर उसे सुरक्षित किया जाएगा। बताइए, कब्रिस्तान में वृक्षारोपण कराया जा रहा है, कब से वृक्षारोपण कर रहे हैं और किन किन उद्देश्यों को लेकर यहाँ पर वृक्षारोपण कराया जा रहा है? वृक्षारोपण जो है लगातार जो है 2-3 महीने से कराया जा रहा है पिछले जो है, और उद्देश्य है कि प्रकृति को हमको बचाना है, हरा भरा रहे, जिससे जो है जनजीवन जो है अच्छा रहे, साफ हवा मिले, प्रकृति जो है बचे रहे, इस उद्देश्य से जो है कराया जा रहा है, वाटर लेवल बढ़ाने के लिए, शुद्ध वायु के लिए। वृक्षारोपण तो करा रहे हैं, ठीक है, और वृक्ष को बचाने के लिए इसके लिए क्या उपाय करेंगे फिर? अब वृक्ष के उपाय के लिए वही है। ऐसे खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।